हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आरजे महक और आज मैं शेयर करने वाली हूं आपके साथ मेरा मेकअप डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। इससे पहले भी मैंने करीबन 2-3 ऐसे वीडियोस मेरी चैनल पे बनाए हैं। मैं सबके लिंक्स इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, प्लीज़ आप चेक करना। मेरा सबसे पहला वाला जो छोटा सा टाइनी सा मेकअप कलेक्शन का वीडियो भी मैंने बनाया था, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, प्लीज़ आप चेकआउट कीजिएगा। एंड आपने जस्ट नीतीज वर्ल्ड, नीति की चैनल पे एक वीडियो देखा होगा, उसकी रूम टूर, तो उसने कैबिनेट दिखाया था, तो उसका फर्स्ट ड्रॉअर जो है वो मेरा मेकअप का पूरा स्टैश उसमें रहता है। पर ट्रस्ट मी, बहुत ही ख़राब हालत में है और अभी लॉकडाउन है, तो मुझे लगा चलो ये बेस्ट टाइम है उसे ऑर्गेनाइज करने का और डीक्लटर करने का। तो चलिए मैं पहले आपको बिफोर दिखाती हूँ और बहुत ही खराब हालत में है। सो ये कैबिनेट है जिसका फर्स्ट ड्रॉअर का हाल आप देख सकते हो, कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ मतलब मिक्स है, पूरा भेल है, खिचड़ी है, आप जो कहना चाहो। तो अब हम क्या करेंगे कि ये सारा जो मेकअप है, सारी प्रोडक्ट्स है, वो यहाँ पे मैंने एक योगा मैट पूरी बिछा दी है। सो सारी चीज़ें हम पहले बाहर निकालेंगे, सबको क्लीन करेंगे एंड सबको अलग अलग कैटेगरी वाइज उसे अलग अलग कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये देखो ब्रश कहाँ है, लिपस्टिक कहाँ है, ये देखो हाल, मतलब बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा है, बट क्या करें। स्टेप वन हमने ये किया कि सारी चीजें है वो पहले हमने बाहर निकाल के रख दी है। अब स्टेप टू आएगा कि पूरा ड्रॉअर हमारा खाली है, तो ये काफी काम का है, तो छोटी छोटी जगहों पे ये बहुत अच्छे से जाता है, जहाँ पे यू नो हमारा ब्रूम यानी कि झाड़ू नहीं जा सकता है। सो आप पूरा इसे अच्छे से यू नो क्लीन कर सकते हो, जो भी डर्ट है, जो भी कचरा है। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से ना आप पूरा जो कचरा है इसमें कलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपर्पज क्लीनर स्प्रे से पूरा ड्रॉअर क्लीन कर देंगे। सो मेरे पास कुछ सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस थे कार्डबोर्ड के, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं एंड सारे ब्लैक ही है, लकीली तो एक अच्छा थीम भी बन जाता है। सारे बॉक्सेस को क्लीन कर रही हूँ, अटैच था उसके साथ लिड जो मैंने ऑलरेडी कट करके हटा दिया है। ऐसा एक प्लास्टिक का एक दो होगा शायद कंटेनर, जो मैंने आगे के वीडियोस में भी बताया है, शायद ग्रेप्स या ऐसा कुछ इसमें आया था। जनरली 2 वीक में एक बार तो मैं वॉश कर ही लेती हूँ, तो प्लीज़ आप भी किया करें। हाइजीन का हमेशा ध्यान रखें, जिससे यू नो हमारी फेस पे पिंपल्स, एक्नी, कोई भी एलर्जी, इन्फेक्शन ना हो। ये सारे बड़े ब्रशेस हैं, उसको मैं इसमें रख रही हूँ। कुछ ब्रशेस ऐसे मिलते ही जाएंगे आपको, क्योंकि नीति भी है साथ में। हाय गाइस, अपनी टिप्पणियाँ करेगी, बीच बीच में खपाती रहेगी, थोड़ा एंटरटेनमेंट देती रहेगी हमको। तो यहाँ पे फेस मेकअप ब्रशेज एंड आई मेकअप ब्रशेज एंड थोड़े कुछ छोटे से डिटेलिंग के लिए है ब्रशेज, उसे मैंने पूरा अलग कर दिया है, तो अब नेक्स्ट टाइम इजी पड़ेगा। तो ये है सारे फाउंडेशंस, अब मैं उसको अलग कर रही हूँ। ये तो आई शेडो का प्राइमर है, तो ये अलग जाएगा। तो सारे फाउंडेशंस को मैं अब रख रही हूँ यहाँ पे। तो ये हो गए ऑर्गेनाइज्ड मेरे सारे फाउंडेशंस। मैं थोड़ा
ऐसे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए। सो अब मैं एक कंटेनर में सारे कंसीलर्स को पहले अलग रख रही हूँ। ये मैंने जस्ट अभी लॉकडाउन से पहले ही मंगाया था वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, जो मैंने एक दो बार यूज़ किया है, मुझे अच्छा लगता है। अगर आप चाहो कि डिटेल में रिव्यू चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। एक और कंसीलर, फिर ये रहा एक बेनिफिट का बॉइंग कंसीलर। सो कलर करेक्टर्स भी है यहाँ पे मेरे पास, तो वो भी मैं रख रही हूँ। जितने भी आई लाइनर्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जितने भी है उतना मैं रख रही हूँ क्लीन करके। एक आई शेडो बेस है तो भी मैं साइड पर रख रही हूँ अभी। अब जो मेरे पास लैशेज है, ये नायका की लैशेज है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे अभी हटा दूँ कार्डबोर्ड के पैकेजिंग को, क्या कहते हो? हाँ हाँ सही है, जगह कम रोकेगा। ओ बेचारा ढक जाएगा। कोई बात नहीं। और इसके ग्लू ये हो गया आईज का पूरा सेक्शन। ये कॉम्पैक्ट पाउडर्स है वो मैं रख रही हूँ क्लीन करके। सो मेरे पास अब जितने भी ब्लशेस, ब्लश तो बहुत कम है, हाइलाइटर्स एंड कॉन्टोरिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं अब रख रही हूँ, जैसे कि ये पैक का हाइलाइटर। ओ मैन, ये मेरा बहुत फेवरेट है, ये देखो। बहुत बहुत सही लगता है ये। सो एक ये है, फिर वेट एंड वाइल्ड का ये प्रेशियस पेटल्स है, ये बहुत सही हाइलाइटर है, टूट गया है। मुझे पता है कि इसे अल्कोहल डाल के इसे आप फिक्स कर सकते हो, बट ठीक है अभी मुझे अल्कोहल नहीं यूज़ करना क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और अल्कोहल स्किन को और ड्राई बनाता है। सो मैं इसको ऐसे ही थोड़ा यूज़ कर लेती हूँ। बेनिफिट का एक हुला ब्रॉन्जर एंड ये है इसका ब्लश जो बेनिफिट ने मुझे भेजा था PR पैकेजिंग में, तो वो रख रही हूँ। फिर शुगर का ब्लश, ये सिवाना का है शिमर ब्रिक। लेकिन आप देखोगे वेट एंड वाइल्ड का ये जो बनाना पाउडर है वो थोड़ा सा टूट गया है, पर जितना भी है उतना मैं अभी यूज़ कर रही हूँ इसे, थोड़ा सा अच्छे से और क्लीन कर रही हूँ। ये बहुत सही है, देखिए इसकी साइज़ कितनी बड़ी है ये। फिर ये है फ्रीडम का हाइलाइटर, ये भी बहुत सही है, फ्रीडम का प्रो हाइलाइटर। इन सिवाना का एक है मेरे पास ट्रायो जो भी बहुत सही है, जिसका शेड है डीप 02। और ये है स्मैश बॉक्स का कॉन्टोरिंग किट, पूरा एक्चुअली सेट है मेरे पास जिसमें से ये कॉन्टोर के लिए है। आईब्रोज का मेरे पास जो भी है छोटा मोटा कुछ वो मैं रख रही हूँ इसमें। वेट एंड वाइल्ड का ये अल्टीमेट ब्राउ किट, ये मस्ट हैव है, मैंने रिसेंटली ही ऑर्डर किया मिंत्रा से, मुझे बहुत सही ये लगा प्रोडक्ट।
तीन चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पे, यू नो टाइनी सा प्लकर है और डबल एंडेड ब्रश होने के साथ साथ इसका से तो मिरर इसका खुलता है। सो ये सही मायनों में किट है। फिर फ्रीडम का एक मेरे पास है, ये बहुत सही है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, मैंने इतना यूज़ किया इसे, देखिए ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। और हॉक मेकअप पे, हॉक के जो हॉक मेकअप की जो वेबसाइट है वहाँ पे ये मिलता है आपको, तो मैं डेफिनेटली जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो मैं ऑर्डर करूँगी। फिर बेनिफिट का ये प्रिसाइजली माई ब्राउ पेंसिल, मेरे पास इसका एक और भी है जेल जो मैं मेरे डेली ऑफिस बैग के ब्यूटी बैग में रखती हूँ। ये मेबेलिन का एक ब्राउ पेंसिल है और एक मीनाओ का है जो मेरे ऑफिस के ड्रॉअर में है, इमरजेंसी के लिए मैंने रखा है। और लैश कलर एंड प्लकर वो भी मैं इसमें ही रख रही हूँ, टूल्स। मस्कारा भी है मेरे पास ये दो जो मैं रख रही हूँ इसी में, एक दो मस्कारा है वो मेरे ऑफिस के बैग में। तो आप देख रहे हो वो मेरा स्टैश धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और ये मैंने कुछ लिपस्टिक्स यहाँ पे निकाली है, मैंने एक्चुअली थोड़े टाइम पहले काफी कुछ डीक्लटर कर दिया था तो अभी मेरे पास काफी ठीक ठाक सा ही रह गया है जो जरूरत का है, मिनिमल रह गया है। मिनिमल पहले था उसकी कंपैरिजन में तो ये मिनिमल ही कह सकते हो। अच्छा, सो अब ये लिपस्टिक्स कुछ है तो मैं इसका कुछ डीक्लटर करूंगी और मैं कुछ और लिपस्टिक्स ऑर्डर करना चाहूंगी। सो नीति मैम आपकी इजाजत हो, इजाजत हो, है ना? हाँ। तो जस्ट मैंने ये रिसेंटली ही मंगाई है मेबेलिन की न्यू न्यूएंस जो मैंने अभी अप्लाई की है मेरे लिप्स पे। इतने क्लोजअप में नहीं लेते हैं, डर जाएंगे लोग। जब ऐसे खतरनाक शॉट्स आप देखो तो समझ जाना कि कैमरा के पीछे नीति होगी। yes. कुछ भी लिपस्टिक दिखानी है ना तो क्लोजअप से ऐसे। हाँ ठीक है, अरे वाह। तो मैं इसमें रख रही हूँ, क्या केस है देखो इसको, इसको ऐसे रख रहे हैं। फिर मैंने रिसेंटली ही ऑर्डर की थी ये वाली, तो मैं ये वाली ये रखो, ये रखो मेबेलिन की। हाँ ये भी है, रखूंगी। फिर ये नॉन ट्रांसफर है ब्लू हेवन की, मैंने इसका वीडियो बनाया है मेरी चैनल पे, प्लीज जाके देखो। वाह देखो ऐसे क्लीन कर दो आप अंदर का। वाह जी वाह, ठीक है हो गया। और इसको भी थोड़ा सा, यार मतलब मेरा स्टैश तो इतने दिनों से काफी हद तक क्लीन हो गया ना। फिर ये वाली मेबेलिन इंक सुपर स्टे क्रेयॉन, ये एक मेरे ब्यूटी बैग में होगा ऑफिस के और एक मैं यहाँ पे रख रही हूँ, इसका भी मैंने वीडियो। रेड पहले जिनके लिपस्टिक्स अच्छे ही होते हैं हमेशा। एक नायका की एक मिनी लिपस्टिक मंगाई थी, मुझे अच्छी लगी है, मैं और ऑर्डर करूंगी इसमें से। पहले मैंने थोड़ा डील कर रखा था तो मेरे पास एक बहाना मिल जाए कि मेरे पास है ही नहीं, है ही नहीं। ये मम्मा लंबी वाली नहीं अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब एनुअल फंक्शन में लंबे बच्चों को आगे फर्स्ट रो में डालते हैं, पीछे वाले ढक जाते हैं। हे भगवान, ये लो। बराबर ठीक है, लंबे बच्चे पीछे आ गए ना अब। लो मुझे हमेशा पीछे ही रखा है। हाँ मैं सोच ही रही थी कि ऐसा ही कुछ पर्सनल बड़ा निकलेगी। तो मैं ये नेल्फ का एक निकाल रही हूँ लिपस्टिक, डीक्लटर कर रही हूँ तो साइड में रख रही हूँ। फिर ये एनवाई डे का भी एक रख रही हूँ। फिर ये सेफोरे का, सेफोरा मुझे भोजपुरी बना दिया, सेफोरा सेफोरा का रख रही हूँ। और ये ओ गॉड हर चीज में इतना ओवर रिएक्ट करेगी नीति, सो प्लीज डोंट माइंड। तो मैं हटा रही हूँ उसको और ये भी निकाल रही हूँ मैं, ये भी। ओ माय गॉड, मम्मा को काली लिपस्टिक नहीं पसंद है। अच्छा सिल्वर भी नहीं, इसको दिखाओ तो सही, इसको खोल के दिखाओ, इतनी लालम लाल है ना। ठीक है न्यू है तो देखती हूँ मैं। ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए।
इससे ज्यादा ये ज्यादा है निकाली हुई। हाँ क्योंकि मुझे नई लेनी है ना, तो मैं अभी तो ये बिचारियों का क्या कसूर, ये बिचारियों का, क्योंकि लड़की हो जैसा कोई इंसान हो वैसी बात कर रही है। ये वेट एंड वाइल्ड का मुझे नहीं अच्छा लगा इसका फॉर्मूला, सॉरी। बाकी वेट एंड वाइल्ड तो मेरी फेवरेट ब्रांड है। फिर एवॉन का ये बहुत ही प्यारा सा शेड है, देखो काफी सारे यूज भी कर दिए मैंने, तो मैं इसे रख रही हूँ। ठीक है, दो क्रेयॉन ठीक ही है, मतलब इसे भी निकाल रही हूँ, ये इसे भी निकाल रही हूँ मैं। ये मुझे वॉश आउट कर देता है मोस्टली, दिखता बहुत अच्छा है वैसे, मैं ठीक है ट्राई करूंगी। वाह एग्जैक्ट आ गया, ये अभी फाइनल वाला देख लो आप। लिपस्टिक का स्टेयर अच्छा है, ज्यादा है या ज्यादा निकाली है वो गिन लेते हैं, कितनी है उसमें, कितनी है, गिनो तो जरा। नहीं नहीं गिनो तो सही, गिनो गिनो, जा तुझको सुखी उत्तरी संसार में। और ये एक लिपस्टिक का है स्मैश बॉक्स का किट, ये जाएगा कलर करेक्शन एंड कंसीलर पैलेट इसमें। कैसे अब ठीक है, सच्ची में 25 लिपस्टिक निकाल दे रहे हो? हाँ हाँ हाँ, लेकिन क्या, ये तो मेरा फेवरेट है, टूट गया है मेकअप रेवोल्यूशन का, लेकिन फिर भी अच्छा है। ये वाला एक स्टील का है पैलेट, देखो ये टूट गया है इसका मिरर, लेकिन इसके जो शेड्स है काफी सारे है। और नीति को डांस के जब उसके शोज होते हैं कथक के, तो उसमें से चाहिए होते हैं, तो मैं रखती हुई है। ये शुगर का ऑफ कोर्स रखूंगी, ये सिवाना का, ये फ्रीडम का, ये पता नहीं कहाँ का था पर है, ये एलिजाबेथ आर्डन का है। कौन है वो बहन? हे भगवान, ये वेट एंड वाइल्ड के सिंगल शैडोज, सो क्यूट, सो क्यूट। फिर ये ब्लू हेवन की है, फिर ये नेल्फ का है, ये स्मैश बॉक्स का है, मेरे ख्याल से ये मुझे डिस्कार्ड करना चाहिए, ये बहुत ही बेस्ट है आई शेडो कलर है। देखते हैं चलो अभी क्या करना है इसका, अभी इसको तो आई शेडोज भी हो गए। अरे प्राइमर्स, इसको रखेंगे हम कंसीलर एंड कलर करेक्टर जो भी हमने है ना वो। तो ये सारी लिपस्टिक्स मैंने डीक्लटर करके इस बास्केट में अभी कलेक्ट करके रखी है। सो फाइनली मेरा सारा जो मेकअप स्टैश है वो अब सॉर्ट आउट हो गया है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैंने पहले ये प्राइमर्स एंड कंसीलर वाला जो कंटेनर है वो रख दिया है कॉर्नर में, फिर ये है सारे फाउंडेशंस, फिर ये सारे ब्लशर्स हाइलाइटर्स कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट से वो रखती है, फिर ये कंटेनर है सारे आई शेडोज का,
ये सारे कॉम्पैक्ट पाउडर्स, ये सारे काजल लाइनर्स एंड जो भी क्या है फेक लैशेस का है, ये लिपस्टिक्स, मेकअप फिक्सर्स मेरे पास अभी दो ही है तो बस मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ यहाँ पे। ये भी अगेन आईब्रोज की प्रोडक्ट्स है पूरी, और ये एक वाला जो था मैं रख रही हूँ यहाँ पे। और ये जो भी फेस के मेकअप के ब्रशेस हैं वो, और ये छोटे जो ब्रशेस हैं आई मेकअप के। सो ये है मेरा फाइनल मेकअप ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।